हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक काफी बच्चों की दुखती नस बनी हुई है। पढ़ाने वाले टीचर्स सेम होते हैं, जो हम मटेरियल सॉल्व करते हैं वो भी सेम होता है, बट तो फिर टॉपर्स क्या ऐसा अलग करते हैं जो उनकी रैंक इतनी अच्छी आ जाती है एंड बाकियों की रैंक थोड़ी खराब हो जाती है। सो इट्स बेसिकली ऑन द मेथड ऑफ सॉल्विंग द रेफरेंस, बिकॉज रेफरेंस तो वही है बट उसको सॉल्व करने का तरीके में जो हम गड़बड़ कर देते हैं उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी रैंक पीछे रह जाती है। सो बेसिकली तीन टाइप्स की गलतियां बच्चे करते हैं। फर्स्टली, क्वेश्चंस को करने के बाद उनके डाउट्स क्लियर नहीं करते। दूसरा, रैंडमली मटीरियल सॉल्व करते रहते हैं। एंड तीसरा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन्हें प्रॉपरली मार्क नहीं करते एंड देन उनके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं रहता जिसको वो रिव्यू कर सके। सो इन तीनों प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की डाउट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यदि आप 10 रेफरेंस भी कर लोगे बट अगर आप उनके डाउट सॉल्व नहीं करोगे तो उनका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो जो डाउट आपको पहले रेफरेंस में आए थे वही कहीं ना कहीं आपको बाकी 9 रेफरेंसेज में भी आएंगे एंड वही डाउट्स हो सकता है एग्जाम्स में भी अपियर हो जाए। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर कोर्स मटेरियल या पर्टिकुलर रेफरेंस, उसके डाउट्स क्लियर करने पे हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज रैंडमली मटेरियल कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो हायरार्की। बच्चे जनरली करते क्या है कि उन्होंने एचसी वर्मा करी, देन वो डीसी पांडे का लेवल 1 कर लेते हैं, देन उनकी जो कोचिंग की मॉड्यूल है उसका भी लेवल 1 कर लेते हैं एंड इतना सब कुछ करने के बाद वो अराउंड 200 या 300 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक में कर चुके होते हैं, बट इन रियलिटी जब उस टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो उनसे बनते नहीं, बिकॉज इन्होंने इन सारे मटेरियल्स का सिर्फ लेवल 1 कर लिया था। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम एंड इसके लिए हमें हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो करनी चाहिए। फॉर फिजिक्स दैट मे बी लाइक आप एचसी वर्मा कर सकते हैं, देन आप डीसी पांडे के लेवल 2 पे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर डीसी पढ़ने की जगह बीएम शर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं एंड देन आप फर्दर थोड़े हायर लेवल बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर पे अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलरली बेसिक हायरार्की दैट शुड बी फॉलोड। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, कि किसी भी कोर्स मटेरियल को सॉल्व करने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस को किस तरह मार्क करना। सो यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे, मैं सॉल्व करने वाला हूँ एंड नाउ सेकेंड फोटो में आपको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैंने किस तरह मार्क करे। अब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन जिन पे सिर्फ टिक मार्क लगा है, दूसरा जिन पे सर्कल लगा है एंड जिन पे तीसरे क्वेश्चंस है जिन पे टिक मार्क के साथ स्टार भी लगा है। सो दोस क्वेश्चन जिनके ऊपर टिक मार्क के साथ स्टार भी लगा है वो क्वेश्चंस मुझे आ गए एंड रिलेटिवली उनका जो कंसेप्ट था वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। सो मैंने उनके साथ स्टार लगाया एंड साथ में मैंने उनके ऊपर एक नंबर मेंशन किया है, वो नंबर है जिस पेज नंबर ऑफ माय रफ कॉपी पे उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कभी भी रफ वर्क रैंडमली नहीं करना है, बिकॉज बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो कुछ लूज शीट्स ले लेते हैं एंड उन पर रफ वर्क कर करके उन्हें फेंकते रहते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। आपको रफ वर्क के लिए भी एक पर्टिकुलर कॉपी बनानी है, उसमें नंबरिंग डालो। आपको कहीं भी रफ वर्क सिस्टमेटिक करने की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ नंबर डालना है। लाइक यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम 1 to 10, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे नंबर डालो, उसका रफ वर्क उसके नीचे करो भले आप कैसे भी कर रहे हो एंड फिर सेकंड क्वेश्चन का नंबर डाल दो एंड देन उसका रफ वर्क उसके नीचे करो। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि आपको रफ वर्क सिस्टमेटिक करना, बट आपको इसमें फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी जब आप अपने टॉपिक्स को रिविजिट करेंगे। सो बेसिकली जो स्टार मार्क प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर्टिकुलर पेज ऑफ कॉपी पे अवेलेबल है एंड मैं जब इस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को रिवाइज करूंगा तो मैं डायरेक्टली फटाफट उस पेज पे जाऊंगा एंड उन्हें क्लियर कर लूंगा। नाउ कम ऑन टू द सर्कल क्वेश्चंस। सो वो ये क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आए एंड मुझे इनके डाउट्स पूछने। सो मैं नेक्स्ट डाउट सेशन में जल्द से जल्द इनके डाउट्स क्लियर करके इन पे टिक करूंगा एंड देन मैं इनका भी पेज नंबर अपनी वही कॉपी में मेंशन करूंगा, ताकि मैं दोनों डाउट्स वाले क्वेश्चंस एंड स्टार मार्क प्रॉब्लम्स को रिविजिट करूं एंड जिन क्वेश्चन पे मैंने पहली बार में टिक लगा दिया था उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहली बार में बन गए थे एंड उन्हें अब फिर से देखना टाइम वेस्ट है। सो समिंग अप ऑल द थिंग्स, लाइक पहले तो आपको आपके डाउट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन
आपको एक पर्टिकुलर हायरार्की मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कोर्स मटेरियल में. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइक यू नीड टू एंश्योर कि आप जो रफ वर्क कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कॉपी में है एंड वहां पे आप नंबरिंग मेंशन कर रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में जब भी उस टॉपिक को रिविजिट करें तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस को रिवाइज करने में कुछ भी दिक्कत ना. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एंड अगर आपको और भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड लिमिट्स टू वॉच दिस अमेजिंग वीडियोस. एंड खूब पढ़ो यार और मचा दो.